नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भूरकुंडा से सागर कुमार की रिपोर्ट। भूरकुंडा रोड सेल्स में विस्थापित संघर्ष मोर्चा द्वारा कोयला लोडिंग कार्य को रोका गया। मौके पर भूरकुंडा थाना प्रभारी संतोष कुमार ने पहुंच कोयला लोडिंग कार्य चालू करवाया। मालूम हो कि भूरकुंडा रोड सेल में मैथन पावर लिमिटेड का कोयला उठाव के लिए DO आया है। इसी कोयले के उठाव को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने कहा कि अभी तक सेल सीमित द्वारा हम लोगों के हक अधिकार से वंचित किए गए हैं। नए DO में हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। मांग है कि भाई जो मैथन पावर प्लांट जो भूरकुंडा रोड से वर्तमान समय में जो संचालित किया जा रहा है, इसमें विस्थापितों का मांग है कि उसका हक अधिकार मिले। यहाँ कोई लेबर का यहाँ जरूरत नहीं है और यहाँ भूरकुंडा लोकल सेल के लोग चाह रहे हैं कि इससे हम लोग लाभान्वित होंगे, समझ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ विस्थापितों का हक अधिकार मिले। जो भी इसका आती हो वार्ता करके प्रबंधन और प्रशासन वार्ता करे, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर जो है उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ गलत तरीके से जो लोकल सेल चलाया जा रहा है, इस पर भी हम लोग जो है उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। किस तरह से गलत तरीके से चलाया जा रहा है यहाँ? आज भी भूरकुंडा लोकल सेल जबकि गुटबाजी के तहत चलाया जा रहा है, 7 गुटों के तहत, जबकि यहाँ ऑलरेडी SDO के साथ वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में जो है यहाँ रोटेशन सिस्टम चलाना था, लेकिन यहाँ रोटेशन सिस्टम, यहाँ गाड़ी नहीं चलती है, यहाँ गुटबाजी के तहत चलाया जा रहा है। ये वही थाना प्रभारी ने मोर्चा के लोगों को कहा कि जो भी बातें कहनी है थाने में आकर कहें और अपने अधिकार के लिए CO पत्रातु से मिलकर बात करें। साइट पर आकर लोडिंग रोकना गैर कानूनी है, इस पर मोर्चा के लोग वापस लौट गए। वहीं भूरकुंडा रोड सेल समिति ने थाने में आवेदन देकर कहा कि राणा सिंह के नेतृत्व में विस्थापित संघर्ष मोर्चा रोड सेल में आकर लोडिंग कार्य बाधित किया गया। धन्यवाद।